ACE is the place with the helpful hardware, folks. The buckets you buy at ACE hold paint, dirt, and debris. But our Children's Miracle Network buckets hold so much more, like dreams, hope, and care for children. Because over the last 29 years, with your help, ACE has raised over $125 million for local CMN hospitals. So stop by your local ACE this weekend to make a $5 donation and get a five gallon bucket plus 20% off almost anything that fits inside it. Offer ballot on regular price merchandise. Additional exclusions apply. See store for details. सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी समस्या वाचन समीर गोस्वामी का है मेरे दफ्तर में चार चपरासी हैं उनमें एक का नाम गरीब है वो बहुत ही सीधा बड़ा आज्ञाकारी अपने काम में चौकस रहने वाला घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला यथा नाम तथा गुड़ वाला मनुष्य है मुझे इस दफ्तर में साल भर होते हैं मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया मैं उसे नौ बजे दफ्तर में अपनी फटी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदि हो गया हूं कि मानो वो भी उसी इमारत का कोई अंग है इतना सरल है कि किसी की बात टालना नहीं जानता एक मुसलमान है उससे सारा दफ्तर डरता है मालूम नहीं क्यों मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता उसके कथनानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में काजी है फूफा टॉक की रियासत में कोतवाल है उसे सर्वसम्मति ने काजी साहब की उपाधि दे रखी है शेष दो महाशय जाति के ब्राह्मण हैं उनके आशीर्वादों का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक है ये तीनों कामचोर गुस्ताख और आलसी हैं। कोई छोटा सा काम करने को भी कहिए तो बिना नाग से कोहड़ी नहीं करते क्लर्कों को तो कुछ समझते ही नहीं केवल बड़े बाबू से कुछ दबते हैं यद्यपि कभी कभी उनसे झगड़ बैठते हैं मगर इन सब दुर्गणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं है जितनी बेचारे गरीब की तरक्की का अवसर आया है तो ये तीनों मान ले जाते हैं गरीब को कोई पूछता भी नहीं और सब दस दस पाते हैं वो अभी छह ही में पड़ा हुआ है सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते यहां तक कि तीनों चपरासी उस पर हुकूमत जताते हैं और ऊपर की आमदनी में तो उस बेचारी का कोई भाग ही नहीं तिस पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी दफ्तरी से लेकर बाबू तक सब उससे चिढ़ते हैं उसकी कितनी ही बार शिकायतें हो चुकी हैं कितनी ही बार जुर्माना हो चुका है और डांट डपट तो नित्य ही हुआ करती है इसका रहस्य कुछ मेरी समझ में न आता था हाँ मुझे उस पर कुछ दयावश आती थी और अपने व्यवहार से मैं ये दिखाना चाहता था कि मेरी दृष्टि में उसका आदर चपरासियों से कम नहीं है यहां तक कि कई बार मैं उसके पीछे अन्य कर्मचारियों से लड़ भी चुका हूं एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा वो तुरंत मेज साफ करने लगा देवयोग से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई बड़े बाबू ये देखते ही जामे से बाहर हो गए उसके कान पकड़कर खूब बैठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत खड़ा सुनता था मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो मुझे बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ यदि किसी दूसरे चपरासी ने इससे भी बड़ा कोई अपराध किया होता तो भी उस पर इतना वज्र प्रहार न होता मैंने अंग्रेजी में कहा बाबू साहब आप ये अन्याय कर रहे हैं उसने जानबूझकर तो रोशनाई गिराया नहीं इसका इतना कड़ा दंड अनौचित्य की पराकाष्ठा है बाबूजी ने नम्रता से कहा आप इसे जानते नहीं बड़ा दुष्ट है मैं तो उसकी कोई दुष्टता नहीं देखता आप अभी उसे जानते नहीं एक ही पाजी है इसके घर दो हलों की खेती होती है हजारों का लेन देन करता है कई भैंसे लगती हैं इन्हीं बातों का इसे घमंड है घर की ऐसी दशा होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता विश्वास मानिए बड़ा पोढ़ा आदमी है और बला का यदि ऐसा ही हो तो भी कोई अपराध नहीं है अजी अभी आप इन बातों को नहीं जानते। कुछ दिन और रहिए तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि ये कितना कमीना आदमी है एक दूसरे महाशय बोल पड़े भाई साहब इसके घर मनो दूध दही होता है मनो मटर ज्वार चने होते हैं लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत ना हुई कि कभी थोड़ा दफ्तर वालों को भी दे दो यहां इन चीजों को तरस कर रह जाते हैं तो फिर क्यों ना जी जले और यह सब कुछ इसी नौकरी के बदौलत हुआ है नहीं तो पहले इसके घर में भुनी भांग ना थी बड़े बाबू कुछ सखचा कर बोले ये कोई बात नहीं उसकी चीज है किसी को दे या ना दे लेकिन यह बिल्कुल पशु है मैं कुछ कुछ मर्म समझ गया बोला यदि ऐसे तुच्छ तो हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है मैं ये न जानता था अब बड़े बाबू भी खुले संकोच दूर हुआ बोले इन सौगातों से किसी का उबार तो होता नहीं केवल देने वाले की सहृदयता प्रकट होती है और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य होता है जिसमें सामर्थ ही नहीं उससे कोई आशा नहीं करता ढंगे से कोई क्या लेगा रहस्य खुल गया बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी थी समृद्धि के शत्रु सब होते हैं छोटे ही नहीं बड़े भी हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे आशा नहीं रखते कदाचित वो हमें विस्मृत हो जाती है किंतु वे सामर्थ्यवान होकर हमें न पूछे हमारे यहां तीज और चौथ न भेजे तो हमारे कलेजे पर सांप लोटने लगता है हम अपने निर्धन मित्र के पास जाए तो उसके एक बीड़े पान से ही संतुष्ट हो जाते हैं पर ऐसा कौन मनुष्य है जो अपनी किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान के लौटकर उसे मन में कोसने न लगे और सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटते तो कदाचित वो उनके शिशुपाल और जरासंग से भी बड़े शत्रु होते ये मानव स्वभाव है कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा क्यों जी तुम्हारे घर पर कुछ खेती बारी होती है गरीब ने दीन भाव से कहा हाँ सरकार होती है आपके दो गुलाम हैं वही करते हैं गाय भैंसे भी लगती हैं हाँ हुजूर दो भैंसे लगती हैं मुदा गाय अभी गाभिन नहीं है हुजूर, हुजूर लोगों के ही दया धर्म से पेट की रोटियां चल जाती हैं दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो गरीब ने अत्यंत दीनता से कहा हुजूर में सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूं खेती में जौ चना मक्का ज्वार के सिवाय और क्या होता है आप लोग राजा हैं ये मोटी झोटी चीजें किस मुंह से आपकी भेंट करूं जी डरता है कहीं कोई डांट ना बैठे कि इस टके के आदमी की इतनी मजाल इसी के मारे बाबूजी जी नहीं पड़ता नहीं तो दूध दही की कौन बिसात थी मुंह लाइक बीड़ा तो होना चाहिए भला एक दिन कुछ लाके तो दो देखो लोग क्या कहते हैं शहर में ये चीजें कहाँ मयसर होती हैं इन लोगों का जी कभी कभी मोटी छोटी चीजों पर चला करता है जो सरकार कोई कुछ कहे तो कहीं कोई साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का ना रहूं इसका मेरा जिम्मा है तुम्हें तो कोई कुछ ना कहेगा कोई कुछ कहेगा तो मैं समझा दूंगा तो हुजूर आजकल तो मटर की फसल है चने के साग भी हो गए हैं और कोलू भी खड़ा हो गया है इसके सिवा तो और कुछ नहीं है बस तो यही चीजें लाओ कुछ उल्टी सीधी पड़े तो हुजूर ही संभालेंगे हाजी कह तो दिया कि मैं देख लूंगा दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ तीन हष्ट पुष्ट युवक भी थे दो के सिरों पर टोकरियां थी उसमें मटर की फनिया भरी हुई थी एक के सिर पर मटका था उसमें ऊख का रस था तीनों ऊख का एक एक गट्ठर कांख में दबाए हुए थे गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया दफ्तर में आने का उसे साहस नहीं होता था मानो कोई अपराधी वृक्ष के नीचे खड़ा था कि इतने में दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया कोई ऊख लेकर चूसने लगा कई आदमी टाकरे पर टूट पड़े लूट मच गई इतने में बड़े बाबू दफ्तर में आ पहुंचे यह अब देखा तो उच्च स्वर से बोले यह क्या भीड़ लगा रखी है अपना अपना काम देखो मैंने जाकर उनके कान में कहा गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है कुछ आप ले लीजिए कुछ इन लोगों को बांट दीजिए बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा क्यों क्यों गरीब तुम चीजें यहां क्यों लाए अभी ले जाओ नहीं तो मैं साहब से रपट कर दूंगा कोई हम लोगों को मलूका समझ लिया है गरीब का रंग उड़ गया थर थर कांपने लगा मुंह से एक शब्द भी ना निकला मेरी और अपराधी नेत्रों से ताकने लगा मैंने उसकी ओर से क्षमा प्रार्थना की बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए सब चीजों में से आधी आधी, आधी अपने घर भिजवाई आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए गए इस प्रकार ये अभिनय समाप्त हुआ अब दफ्तर में गरीब का नाम होने लगा उसे नित्य घुड़कियां न मिलती दिन भर दौड़ना न पड़ता कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहयोगियों के कटुवाक न सुनने पड़ते चपरासी लोग स्वयं उसका काम करते थे उसके नाम में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ वो गरीब से गरीब दास बना स्वभाव में कुछ तब्दीली पैदा हुई दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ तत्परता की जगह आलस ने ले ली वो अब भी कभी देर करके दफ्तर आता कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठ रहता उसके सभी अपराध अब अप शम थे उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था वो अब दसवें पांचवें दिन दूध दही लाकर बड़े बाबू की भेंट किया करता देवता को संतुष्ट करना सीख गया सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा कई बड़े बड़े पुलिंदे थे ठेले पर आए गरीब ने ठेले वालों से बाहर आने मजदूरी तय की थी जब कागज दफ्तर में गए तो उसने बड़े बाबू से बारह आने पैसे ठेले वालों को देने के लिए वसूल किए लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली अपनी दस्तूरी मांगने लगा ठेले वाले राजी न हुए इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख ली और धमकाकर बोला अब एक फूटी कौड़ी भी ना दूंगा जाओ जहां फरियाद करो देखें क्या बना लेते हो ठीले वाले ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जाती है तो रोध होकर चार आने पैसे देने पर राजी हुए गरीब ने अठन्नी उसके हवाले की बारह आने की रसीद दिखाकर उसके अंगूठे के निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई ये कुतूहल देखकर मैं दंग रह गया ये वही गरीब है जो कई महीने पहले सरलता और दीनता की मूर्ति था जिसे कभी चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता था जो दूसरों को खिलाना भी न जानता था खाने का तो जिक्र ही क्या यह स्वभावान्तर देखकर अत्यंत खेद हुआ इसका उत्तरदायित्व किसके सिर था मेरे सिर जिसने उसे चगड़पन और धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था मेरे चित्त में प्रश्न उठा इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है वो भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता है वो अशुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया क्योंकि वास्तव में वो उसके पतन का भयंकर मार्ग था मैंने ब्रह्म प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी समस्या वाचन समीर गोस्वामी का था ACE is the place with the helpful hardware, folks. The buckets you buy at ACE hold paint, dirt, and debris. But our Children's Miracle Network buckets hold so much more, like dreams, hope, and care for children. Because over the last 29 years, with your help, ACE has raised over $125 million for local CMN hospitals. So stop by your local ACE this weekend to make a $5 donation and get a five gallon bucket plus 20% off almost anything that fits inside it. Offer valid on regular price merchandise. Additional exclusions apply. See store for details.